पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला के हत्यारों को पंजाब पुलिस ने ढेर कर दिया है। डीजीपी के मुताबिक अटारी बॉर्डर के पास पुलिस ने एनकाउंटर में दोनों शूटरों को मारा है। ये मुठभेड़ कई घंटों तक चली और शाम तक पुलिस को इसमें सफलता मिली है। इस एनकाउंटर में शूटर जगरूप सिंह रूपा और मनु कुसा मारे गए हैं, साथ ही 3 पुलिसकर्मी भी घायल हो गए हैं। बीच में खबर आई थी कि मुठभेड़ को कवर कर रहे एक निजी चैनल के कैमरामैन को भी गोली लगी थी और वो जख्मी हो गए थे। पूरी मुठभेड़ के दौरान पुलिस के कई आला अधिकारी मौके पर मौजूद रहे। पुलिस को जब पता चला कि किसी सुनसान इलाके में बनी पुरानी हवेली में 2 गैंगस्टर्स जगरूप सिंह रूपा और मनु कुसा छिपे बैठे हैं, तब पुलिस एक्शन में आई। डीजीपी के मुताबिक गैंगस्टर्स के पास भारी मात्रा में असलाह मौजूद था। खेतों के बीच में बनी हवेली से लगातार पुलिस के ऊपर फायरिंग की गई, जिसमें की AK-47 हथियार का इस्तेमाल किया गया। पंजाब के डीजीपी गौरव यादव ने कहा कि हम सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड के आरोपियों पर नजर रख रहे थे और हमारी टास्क फोर्स ने इस इलाके में कुछ हलचल देखी। हमने उस पर कार्रवाई की। आगे की जांच के लिए हमारी फोरेंसिक टीम मौके पर है। पुलिस के मुताबिक मुठभेड़ में मारे गए गैंगस्टर मनु और शूटर जगरूप सिंह रूपा पाकिस्तान भागना चाहते थे। बता दें कि सिंगर सिद्धू मूसेवाला की 29 मई को पंजाब में मानसा के पास उनके पैतृक गांव के पास गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। पुलिस के मुताबिक गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के गुर्गे मनप्रीत ने रूपा और अन्य लोगों के साथ मिलकर 29 मई को मूसेवाला पर गोली चलाई थी, जिससे गायक की मौके पर ही मौत हो गई थी।